नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मई दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर लगाए ये आरोप। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को पहचानने से किया इनकार। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने खुद को बताया कांग्रेस का सिपाही। सीएम केजरीवाल के आवास रेनोवेशन वाली फाइल हुई गायब, अधिकारी ने किया यह दावा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश की राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। धीरेन्द्र शास्त्री पर हो रहे राजनीतिक बयानबाजी के बीच सीएम नीतीश ने कही ये बात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही थी। अब जब वे बिहार आ गए हैं तो और भी सियासी हंगामा देखने को मिल रहा। एक तरफ जहां बीजेपी बाबा के समर्थन में खड़ी है, तो वहीं राजद और बिहार सरकार के कई मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध अपनी बातें रख चुके हैं। अब इसी बीच नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब तक चुप बैठे नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में संविधान के खिलाफ कोई क्या माहौल बनाएगा, कोई एक व्यक्ति संविधान में बदलाव नहीं कर सकता। धर्म को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन किसकी पूजा करता है वो उसका व्यक्तिगत मामला है, सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर लगाए ये आरोप। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों से समझौता करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए जिन लोगों के भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, उनके ठिकानों पर ही जांच एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं और इससे जदयू को भी दर्द हो रहा है। दरअसल सुशील मोदी ने यह बात लालू राबड़ी के रिश्तेदारों के घर पर सीबीआई छापे को लेकर जदयू पर इस तरह से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजद विधायक किरण यादव बालू माफिया और पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी है। उनकी कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने मां मरछरिया देवी कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट 2.56 करोड़ रुपए में खरीदे। इसमें काले धन का इस्तेमाल हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी के 3 फ्लैट दूसरे बालू माफिया सुभाष यादव ने खरीदे और इसके लिए ही दिन में 1.72 करोड़ का भुगतान किया। जदयू ने सम्राट चौधरी के इस बयान पर माफी की मांग। अब तक बिहार में कई चीजों को लेकर बिहार में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब बिहार में सियासी बवाल ललन सिंह के मटन पार्टी पर मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा ललन सिंह के मटन पार्टी में शराब परोसने का बयान दिया गया था। इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी इस बयान पर माफी मांगे, नहीं तो 2 दिनों के भीतर अपने बयान को साबित करके बताएं। यदि वे साबित नहीं कर पाते हैं तो मटन पार्टी में शराब बांटी गई तो जदयू उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाएगी। जगदानंद सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया मदारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हो रहे राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि गांव में जब मदारी आता है तो भीड़ लग जाती है, तो बिहार में भी एक मदारी आया हुआ है। नौबतपुर में इसलिए भीड़ लग रही है, मुझे कोई बाबा यहां नहीं दिख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूं। वहीं बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान की चर्चा करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि ऐसा क्या बिगड़ रहा है, इस तरीके का बयान लोग दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर कर्म करने की ताकत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग चीजों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को पहचानने से किया इनकार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कई लोग बाबा के समर्थन में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग बाबा के विरोध में भी आवाज उठा रहे हैं। अब इसी विरोध के बीच बाबा की लोकप्रियता भी देखने को मिली। अब इस लोकप्रियता को देखते हुए खबर आई है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार के अन्य जिलों में भी बाबा अपने दरबार लगाएंगे। अब इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए जाने पर तेज प्रताप ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वह कौन बाबा है, इस देश में केवल एक ही बाबा देवराहा बाबा पैदा हुए जो 400 सालों तक जिंदा रहे। यह लोग देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। लालू परिवार की रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सीबीआई ने इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए लालू परिवार के सभी सदस्यों के नाम से खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। सीबीआई ने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए सभी बेटियों के नाम पर खरीदी गई गिफ्ट में दी गई या लीज पर ली गई जमीन पर दी गई अचल संपत्ति के विवरण की मांग की है। बता दें कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद, मंत्री तेज प्रताप और मिशा भारती समेत अन्य सभी बेटियों से 2004 से लेकर 2009 तक के हिसाब किताब की मांग सीबीआई द्वारा की गई है।
धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर पुति काली को लेकर राजद ने कही ये बात। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के समर्थन में राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन अब पोस्टर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल कार्यक्रम को लेकर लगाए गए पोस्टर पर किसी ने काली पोत दी है। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है और एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इसे लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि बाबा आए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, आयोजन स्थल पर जिस तरह की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है, आयोजक क्या कर रहे हैं वे सभी जान रहे हैं, और यही बात पोस्टर पर काली पोतने की तो उससे राजद का कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस आलाकमान के सामने असमंजस। कांग्रेस को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीते आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनेगी यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के रूप में 2 महत्वपूर्ण चेहरे सामने आए हैं, एक पार्टी के दिग्गज नेता सिद्धारमैया हैं तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार। अब दोनों को लेकर कांग्रेस आलाकमान असमंजस में पड़ी हुई है कि किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुना जाए। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठक बुला रहे हैं। यदि कांग्रेस सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है तो ऐसे में शिवकुमार की नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ेगी और जो पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं है। वहीं अभी हाल में ही यह खबर भी सामने आई थी कि शिवकुमार राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से आधे घंटे तक मुलाकात की। वहीं सिद्धारमैया के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खारिज दिया। साथ ही उपमुख्यमंत्री बनने या फिर सीएम पद को साझा करने के प्रस्ताव को भी ठुकराते हुए खुद को सीएम पद का स्वाभाविक हकदार बताया। विजय कुमार सिन्हा ने ललन सिंह के मटन पार्टी पर इस वजह से जांच की मांग। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मटन पार्टी की चर्चा अब हर जगह देखी जा रही, क्योंकि मटन पार्टी के दिन महागठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ गए थे। अब इस मटन पार्टी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विवादित बयान दे दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिस दिन मटन पार्टी हुई उस दिन शहर से हजारों कुत्ते गायब हो गए। मटन पार्टी के नाम पर न जाने कौन से जानवर का मांस उन्हें खिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे में कई बीमारियों के फैलने का भी डर है। इस मटन पार्टी को गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उस दिन खाने में जो मांस परोसा गया था वो किस जानवर का मांस था। सीएम केजरीवाल के आवास रेनोवेशन वाली फाइल हुई गायब, अधिकारी ने किया यह दावा। हाल में ही अदालत द्वारा दिल्ली सरकार को कई अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि विशेष सचिव राजशेखर को उनके काम से हटाना। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा आरोप लगाया गया था कि राजशेखर के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले मिले हैं, ऐसे में वे अपने पद पर बने नहीं रह सकते। इन्हें सीएनजी किट घोटाले में मुख्य आरोपी बताकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। अब इसी कड़ी में राजशेखर दावा करते हुए कहा है कि उनके घर में जासूसी होने के साथ भ्रष्टाचार से जुड़ी कई फाइलें गायब हो गई हैं, जिनमें दिल्ली सीएम के आवास से रिनोवेशन वाली फाइलें भी शामिल थी। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राजशेखर ने बताया कि उनके घर पर मंगलवार के दिन संदिग्ध गतिविधियां हुई। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि वह गोपनीयता के उल्लंघन का मामला है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके रूम में जासूसी वाले उपकरण लगाए गए हो सकते हैं। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल एक बार फिर से इसकी मांग जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी द्वारा की गई है। बिहार की विशेष मांग की गुहार लगाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। नीति आयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले नीति आयोग के कोर समिति में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रखकर उनकी राय ली जा रही थी, लेकिन अब नीति आयोग किस तरह से काम कर रहा है ये सभी राज्यों के लोगों को देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से केंद्र प्रायोजित योजनाएं चला रही है, जिसका मतलब होता है कि राज्यों से राशि लेकर केंद्र प्रायोजित योजना चलाना और उसका नाम सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना है। साथ ही उन्होंने मोदी और शाह को घेरे में रहते हुए कहा कि वे राज्य में जाकर बड़े पैकेज की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन आज तक बिहार में कभी भी इस तरह की कोई घोषणा या शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किया। विपक्षी एकता में अखिलेश यह फॉर्मूला कांग्रेस को कर देगा परेशान। विपक्षी दलों की एकता को कोशिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोरों शोरों से जुटे हुए हैं, ताकि सत्ताधारी भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में जीतने से रोका जा सके। लेकिन अब विपक्षी दलों के नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बातें शुरू हो चुकी है। वहीं अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मसले को लेकर एक फॉर्मूला सामने रखा है। इस फॉर्मूले के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कांग्रेस का होगा, लेकिन जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी वहां का नेतृत्व वही पार्टी संभालेगी। यानी विपक्षी गठबंधन तो एक ही होंगे पर नेता अनेक होंगे, लेकिन अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला कांग्रेस के लिए मुसीबत ला सकता है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते गठबंधन का नेता उसकी पार्टी से ही होगा। कांग्रेस पहले भी यह साफ शब्दों में कह चुकी है कि उसके नेतृत्व के बिना यह नहीं हो सकता है। धर्म पर हो रही राजनीति को लेकर आलोक मेहता ने कही ये बात। धर्म विशेष को लेकर नेताओं द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा। बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार राजद नेताओं पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। अब इसी को लेकर राजद नेता आलोक मेहता ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम लोग राजनीति को धर्म से कभी नहीं जोड़ते हैं, धर्म को लेकर हमारी आस्था है, हम लोग भी ईश्वर को पूजते हैं, लेकिन राजनीति में धर्म को नहीं लाते। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, ऐसे में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जोड़ना ठीक नहीं है। जब मीडिया से आलोक मेहता द्वारा
सवाल किया गया तो बाबा बागेश्वर पटना में है, लेकिन यहाँ की प्रशासन एक्टिव नहीं है, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन का मामला है, अगर सरकार के सामने किसी तरह की कोई शिकायत आएगी तो देखा जाएगा। दिग्विजय सिंह ने खुद को बताया कांग्रेस का सिपाही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है। दरअसल उनका यह बयान मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। मीडिया द्वारा किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हूं तथा मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, मगर मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी मुझे जो भी करने का आदेश देगी मैं करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरा संसदीय क्षेत्र गुना नहीं बल्कि राजगढ़ है। पिछली बार मुझे भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था जो कि मेरी सीट नहीं थी, मगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता उसका सिपाही हूं। वह मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कांग्रेस के इस नेता को बीजेपी एमएलए सुशील तिवारी इंदू ने भेजा लीगल नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सुशील तिवारी इंदू ने अपने अधिवक्ता के जरिए जबलपुर जिले की पनागढ़ विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा एमएलए सुशील तिवारी इंदू पर दिग्विजय सिंह ने पीडीएस के अनाज के घोटाले का आरोप लगाया था। मिली जानकारी के अनुसार लीगल नोटिस में साफ शब्दों में यह चर्चा की गई है कि दिग्विजय सिंह प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने फेसबुक पेज में मेरे पक्षकार सुशील तिवारी इंदू के खिलाफ किए गए प्रसारण पर खेद जताएं एवं इससे पहले की गई टिप्पणी से संबंधित वीडियो को अपने फेसबुक पेज और शेष जगहों से भी हटा ले। साथ ही इस बात की चर्चा भी की गई थी कि ऐसा न करने की स्थिति में मेरे पक्षकार के द्वारा आपको नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट जाने के लिए व्यवस्था होना पड़ेगा। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरुचि कुमारी, महेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री को लेकर हो रहे राजनीतिक बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।